पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। उपचुनाव में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से मात दे दी है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा उपचुनाव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। आपको बता दें, इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर और बीजेपी की तरफ से अग्नि मित्रा पॉल मैदान में उतरी थी। साल 2014 से ही टीएमसी आसनसोल लोकसभा सीट जीतना चाहती थी, लेकिन साल 2014 साल 2019 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। शनिवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई, पहले राउंड में शत्रुघ्न सिन्हा बढ़त बनाए हुए थे। 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी को करारा झटका लगा है। आपको बता दें, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा पर वोटों की बारिश हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी इस जीत का पूरा श्रेय ममता बैनर्जी को दिया है। ममता बैनर्जी को उन्होंने अपनी इस जीत का असली जिम्मेदार बनाया है। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के साथ अपने आप को जोड़ा था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।